इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 लाख की रिश्वत लेते अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी ने 1 करोड़ से अधिक के बिल पास करने के एवज में फरियादी से रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त ने एमटीएच कंपाउंड में कार्रवाई कर भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यपालन यंत्री राकेश कुमार सिंघल को 12 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। विभाग के नलकूप और इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस के काम में आरडी कंपनी को ठेका मिला था। कंपनी का मेंटेनेंस शुल्क बकाया था, जिसको लेकर मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट में कंपनी का बकाया शुल्क भुगतान करने का निर्देश दिया था। इसी को लेकर कार्यपालन यंत्री राकेश कुमार ने कंपनी के मालिक से 17% रिश्वत मांगी थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग में कार्यपालन यंत्री हैं राकेश कुमार सिंघल। एक आरडी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसमें जो है स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम योजना के तहत लगभग 1.74 करोड़ के नलकूप खनन और उनसे संबंधित जो विद्युत का बाहरी विद्युत का कनेक्शन के कार्य किए हैं, तो इनकी जो पेमेंट में देरी हो रही थी तो इन्होंने कोर्ट में मामला लगाया, जिसमें इनको लगभग 1.30 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान इनको प्राप्त हो चुका है। 1.30 करोड़ की जो राशि का भुगतान किया गया उसमें लगभग इनकी सुरक्षा निधि और जो अर्नेस्ट मनी और ये सब काट के 1.05 करोड़ रुपए इनको प्राप्त हुए। 1.05 करोड़ रुपए की राशि के लगभग इनको 17% रुपए रिश्वत के रूप में कार्यपालन यंत्री राकेश कुमार सिंघल के द्वारा मांगे जा रहे थे, जिसकी आज दिनांक 8/11/2021 को लगभग 2 बजे के आसपास रिकॉर्डिंग कराई गई थी, जिसमें उनके द्वारा रिश्वत मांगा जाना पाया गया था। रिश्वत की बातचीत के दौरान ये तय हुआ कि वो अभी 50,000 रुपए नकद इन्हें देगा और एक चेक देगा 11,50,000 का, जिसको कल भोपाल में वो इनको पेमेंट कराएगा और चेक जो है जो भी व्यक्ति पेमेंट देने जाएगा उससे वो वापस लेते आएगा। ऐसे कुल मिला के 12 लाख रुपए की रिश्वत की राशि इनके द्वारा मांग की जा रही थी और उसी राशि को लेते हुए अभी इनको पालिका प्लाजा के भूतल में